नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक नर्सिंग अचीवर्स पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टाफ नर्स की नई भर्ती को लेकर, जिसका नोटिफिकेशन आज 31 मई 2022 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है, जिसे आप सभी शॉर्ट में PGIMER चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में दो इम्पोर्टेंट जो बातें वो डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा जो तीसरी अपडेट है वो भी PGIMER चंडीगढ़ से रिलेटेड है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स नर्सिंग फील्ड की चाहे कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपको यूनिक नर्सिंग अचीवर यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इसके अलावा एक और अपडेट आपको बता दें कि जो SGPGI लखनऊ है उसके द्वारा स्टाफ नर्स के पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके लिए एग्ज़ाम डेट है वो रिलीज़ हो चुकी है, जो कि 20 जून है। एडमिट कार्ड जैसे ही रिलीज़ होंगे सबसे पहला अपडेट आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा नोट सेट की कोई भी अपडेट हो, किसी भी एम्स ने डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया हो, किसी भी एम्स के द्वारा कोई भी अपडेट आई हो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, PGIMER चंडीगढ़ के द्वारा पिछली बार भी एक वैकेंसी निकाली गई थी, अभी मई मंथ में ही हम डिस्कस कर रहे हैं, जूनियर स्टाफ नर्स और सीनियर स्टाफ नर्स के पदों पर। वहाँ पर टोटल 3 वैकेंसी थी जिसमें से 2 वैकेंसी खाली रह गई हैं, उसका रिजल्ट आज आ गया है। तो जिन भी कैंडिडेट का वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उस रिक्रूटमेंट में, वो सभी 1 जून तक जाकर रिपोर्टिंग कर दें, उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नई जो वैकेंसी PGIMER चंडीगढ़ के द्वारा निकाली गई उसके बारे में, जहाँ पर स्टाफ नर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा और भी पदों पर है, लेकिन अपन केवल स्टाफ नर्स के पदों पर डिस्कस करने वाले हैं। सारी बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, सैलरी आपको क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन होगा, सारी बातें करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टाफ नर्स है उसके पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, 2 यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। पिछली बार जो पोस्ट रखी गई थी वो फ्रेंड्स खाली गई थी, इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं कि 1-2 वैकेंसी के लिए कोई अप्लाई नहीं करता है और जो अप्लाई करते हैं उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप अप्लाई करें, ये ना सोचें कि 2 ही पोस्ट हैं तो क्या अप्लाई करना है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है उनके लिए तो 1 पोस्ट भी काफ़ी होती है, और जिनको केवल टाइम पास करना होता है उनके लिए तो 500 पोस्ट भी कम ही होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलने वाली है 31,500 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। आपको कोई HRA मिलने वाला नहीं है। HRA का मतलब होता है फ्रेंड्स हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर रहने के लिए जो आप रूम लेते हैं उसका अलाउंस आपको कितना मिलता है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी आपको HRA मिलता है, लेकिन पोस्ट पर डिपेंड करता है कि आप ग्रुप ए में हैं या बी में हैं। स्टाफ नर्स ग्रुप बी में आती है इसलिए अपने को HRA नहीं मिलता है, जो ग्रुप ए में आते हैं उनको HRA भी दिया जाता है। स्टाफ नर्स के पदों पर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस रखी गई फ्रेंड्स वो आपके सामने है। जो भी कैंडिडेट जिन्होंने GNM कर रखा है या BSc नर्सिंग कर रखा है, ANM कर रखा है, सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का जो एक्सपीरियंस है इन्होंने कहा कि डिज़ायरेबल है, यदि आपके पास है तो अच्छी बात है। हॉस्पिटल में वर्क का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। इसके अलावा आपको अब ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर ऑफलाइन आवेदन करना है वो बातें भी जान लीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में उनको करना क्या है, अपनी जो भी डिटेल्स हैं, बेसिक जो डिटेल्स हैं, आप अपना CV बना सकते हैं। देखिए CV बनाने के लिए आप किसी ऐप की भी हेल्प ले सकते हैं जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप CV फॉर्म के नाम से प्ले स्टोर में जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली आपको करना क्या होता है कि एक A4 जो पेज है वो लीजिए, सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो आप अपने लिखिए, और जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है आपका, 10th 12th की मार्कशीट है, इसके अलावा आपका ID प्रूफ है, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ है, आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री है, सब कुछ उसके साथ अटैच कीजिए। और जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया आपको, रूम नंबर 4035 फोर्थ फ्लोर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी में आपको सेंड कर देना है 13 जून 2022 से पहले पहले। 5 बजे तक का यहाँ पर टाइम आपको दिया गया है। आपको जो फॉर्म सबमिट करना है वो PGIMER चंडीगढ़ में ही सबमिट करना है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं और बाय हैंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कह रखी है कि आपका जो इंटरव्यू है या फिर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 16 जून 2022 को होने वाला है। एग्ज़ाम कब होगा ये भी इन्होंने एक शर्त लिखी है कि जो पोस्ट निकाली गई हैं उस पर यदि 30 कैंडिडेट से ज़्यादा या डबल कैंडिडेट आते हैं
30 कैंडिडेट से ज़्यादा, मतलब अगर अपने दो पोस्ट स्टाफ के निकली और इसे 30 गुना 60 कैंडिडेट अगर अप्लाई कर देते हैं, 4 ही अप्लाई नहीं करते हैं, 60 तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी आपको TA और DA दिया नहीं जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।